नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर की राव विधानसभा में पहुंच चुकी है, जहां राहुल गांधी के अलग अलग रूप देखने को मिले। तो वहीं प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता जयराम रमेश ने कई सवालों के जवाब मीडिया को दिए। वहीं जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों के सम्मान को लेकर निकाली जा रही है। राहुल गांधी इस यात्रा में गिरजाघर में गए, गुरुद्वारे में गए, मंदिर गए। वहीं रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थानों से जुड़ी जो भी प्रमुख जगह थी, वहां पर भी राहुल गांधी गए। ये यात्रा पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है। अभी तक जिस तरह से कन्याकुमारी से यात्रा स्टार्ट हुई, एक के बाद एक दक्षिण के कई प्रदेशों से होकर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में दाखिल हुई, तो सभी भारत जोड़ो यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। काफी लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। यात्रा पूरी तरीके से सफल यात्राओं में शामिल है। आने वाले दिनों में राजस्थान में ये यात्रा जाएगी और निश्चित तौर पर ये विश्वास है, राजस्थान में सारे रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा के टूट जाएंगे। जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर भी जयराम रमेश का कहना था कि वह पूर्व में भी कह चुके, हम दोनों नेताओं की जरूरत है। एक नेता काफी वरिष्ठ है तो दूसरे नेता ऊर्जावान है। कांग्रेस के दोनों नेताओं की जरूरत है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद थे उन्हें सुलझाया जाएगा। आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर कांग्रेस संगठन विचार करेगा। भविष्य में कांग्रेस के नेतृत्व को जो भी जरूरत राजस्थान में लेनी पड़ेगी लेंगे। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने कुछ शब्दों का जिक्र सचिन पायलट के लिए किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वे वरिष्ठ हैं और उनसे बात हो चुकी है। जल्दी दोनों के बीच जो भी मतभेद है उन्हें सुलझाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग कह रहे थे दक्षिण भारत में यात्रा सफल हो गई, जब यात्रा हिंदी भाषी प्रदेशों में जाएगी तो फेल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हिंदी भाषी प्रदेश में यात्रा गुजरी उसके बाद लोग इससे जुड़े, तो सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यात्रा इंदौर में है और उसके बाद उज्जैन में रहेगी और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी, दिल्ली जाएगी। पूरी यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाएगी और वहां पर राहुल गांधी के द्वारा तिरंगा लहराकर भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा किया जाएगा। यात्रा जिस तरह लगातार विभिन्न प्रदेशों से होकर गुजर रही है, सफलता मिल रही है, उसको समय समय पर बीजेपी प्रवक्ता मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष कर रहे हैं, इससे उनकी चिंता का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिति गुजरात में दो पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, दो ही पार्टी है। ये तीसरा पार्टी की जो मीडिया में बार बार जिक्र होता है ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं देता। सर, राजस्थान में जो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है, टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, बयानों में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान में आज जो हमने मऊ से लेकर इंदौर तक मोबिलाइजेशन देखा है, राजस्थान में भी इसे बढ़कर मोबिलाइजेशन आप देखेंगे। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। राजस्थान के हर कांग्रेस नेता, राजस्थान के हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। बयानबाजी चलते रहता है। सर, नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश जो पायलट चाह रहे हैं, लग रहा है आपको? मैंने तीन बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं चौथी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता है। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता है। दोनों की पार्टी के लिए जरूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति व्यक्ति कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है।
संगठन सर्वोपरि है और संगठन को जो मजबूत करेगा वही हल निकाला जाएगा कांग्रेस कहना है। मैं राजस्थान के बारे में मैंने कह दिया है, जिनको समझना है वो समझ गए, जिनको कहना है क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ मैंने कह दिया। अभी आप उसको घुमा फिरा कर कुछ ढूंढना चाहते हैं, बोलेंगे तो घुमाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। मैं कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता हूँ, वो सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा, पर मैं सिद्धांत बता सकता हूँ और मैंने सिद्धांत बताया, एक ही सिद्धांत है और वो सिद्धांत है अगर ये करने से कांग्रेस संगठन कमजोर होगा या मजबूत होगा, वही चुना जाएगा जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगा। अगर कठोर निर्णय लेने हैं कठोर निर्णय लिए जाएंगे, अगर समझौता कराना है समझौता कराए जाएंगे। पर मैंने पहले ही कहा है, एक तरफ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो कई पद पर बैठे हैं राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, हमारे पार्टी संगठन में, और एक तरफ दूसरी तरफ एक युवा नेता, लोकप्रिय नेता, सक्रिय नेता, ऊर्जावान नेता, दोनों की जरूरत है हमें। पर बुजुर्ग नेता सर कह रहा है कि युवा नेता ने 10 करोड़ लिए थे, तो ये आपको नहीं लगता है कि मैंने कहा ये अप्रत्याशित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझा, मैं नहीं इसको, मुझे मेरे लिए तो अप्रत्याशित और मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। और मैं ये भी कहूँगा कुछ शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री को करना नहीं चाहिए था। राहुल जी गुजरात गए हैं, अशोक गहलोत गुजरात गए हैं, दिग्विजय सिंह गुजरात गए हैं, भूपेश बघेल कल जो मऊ में थे आज गुजरात में हैं, अगले 3 दिन में गुजरात में रहेंगे। ये बात बार 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 कहना कि कोई कांग्रेस के नेता गुजरात में नहीं गए, चिदम्बरम साहब गए हैं, मैं गया हूँ, कई नेता वहाँ बैठे हुए हैं, 6-7 खड़गे जी गए हैं और कल खड़गे जी जा रहे हैं वापस, राहुल जी एक दिन गए हैं। तो ये बात गलत है कि हम गुजरात में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, गुजरात में हम प्रचार कर रहे हैं और आप देखेंगे ये आपका गुब्बारा फूटेगा गुजरात में। जयराम जी कांग्रेस के साथ पार्टी में ये सब मीडिया का गुब्बारा है। जयराम रमेश जी कांग्रेस गुजरात में, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं RSS से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना RSS के लिए नफरत है, इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। BJP से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है, और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क, हम डरते नहीं मोहब्बत करते हैं। आज तक जयराम जी की सुनी, इससे स्पष्ट जवाब तो और कोई आप लोगों को मिल नहीं सकते हैं। सबको धन्यवाद। जयराम जी चीन ने खाना खा के जाना है, धन्यवाद। हिंद महासागर को लेकर 19 देशों के साथ एक मीटिंग करी है, उसमें खबर आ रही है आप लंच के लिए आई है, भोजन करिए, भोजन करिए, भोजन का वक्त हो गया, कल के कल के कल के कल के। और अच्छा सुनो, कल का लोकेशन बता दो, कल का लोकेशन है अपने सावे रोड पे, जहाँ राहुल जी का दोपहर का लंच होगा, वहाँ से आमंत्रित है। हाँ, संजय भैया के फार्म खेत पे है ना, तो वहाँ पे ही रखा है, जैसे ये भी खेत है तो उस पे रखा हुआ है। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फार्म हाउस, पर हम गांव वाले बोलते हैं खेत, खेत पे आना है। फसल फेंकने की बात भी हो रहा है, आज नवयुवकों की बात करें तो वो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, और मोदी जी ने तो सलाह दी थी कि पकौड़े करके बेचो, पर पकौड़े तलने के लिए मोदी जी तेल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, बेसन भी। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।